तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच होने वाली 5 T20I मैच के सीरीज की पहले T20 मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा 9 दिसंबर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7 बजे DRDY पाटिल स्पोर्ट अकेडमी स्टेडियम मुंबई में। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपेरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 18 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम जीती है, वहीं सिर्फ 6 मुकाबलों में इंडिया वुमेन जीत पाई है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें टीम इंडिया की ओर से खेलती हुई नज़र आएंगी शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, सेबनी मेघना, जमीमा रॉड्रेज, कप्तान हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, मेघना सिंह और राजवेश्वरी गायकवाड़। इंडिया की टीम देखने में काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी ऑस्ट्रेलिया वुमेन की प्लेइंग 11। तो हमें ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलती हुई नजर आएंगी कप्तान एली साहेली, बेथ मोनी, हैदर ग्राम, ताहिला मेगार्थ, एलेस पेरी, एसलग गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जेस जोनासन, अलाना किंग, ड्रेसी ब्राउन और मेगन स्कैट। दोनों ही टीमों का कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर बैटिंग लाइनअप में दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं, हल्का सा पड़ रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का भारी नजर आ रहा है। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर स्पिन बॉलिंग अटैक टीम इंडिया का काफी ज्यादा स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया से, वहीं फास्ट बॉलिंग अटैक यहां पर ऑस्ट्रेलिया का काफी ज्यादा स्ट्रांग है। करंट परफॉर्मेंस और टीम को देखते हुए यहां पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा DRDY पाटिल स्टेडियम मुंबई में। यहां की पिच आमतौर पर बॉलिंग फ्रेंडली रहती है और यहाँ पर पेस बॉलर्स को काफी मदद मिलती है। यहाँ पर अभी तक वुमेन्स के एक भी मुकाबले नहीं खेले गए हैं। जो यहाँ पर मेन्स के मुकाबले खेले गए हैं उसके फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 160 रन है, वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 148 रन है। यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ज्यादा जीतती है। तो यहाँ पर पिच कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं या कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी काफी ज्यादा बेहतर है और यहाँ पर जो पिच सपोर्ट कर रही है वो तेज गेंदबाजों को कर रही है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की पेस बैटरी टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को बिगाड़ सकती है। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉस और मैच से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते, लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए, यहाँ पर करेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। तो हाँ दोस्तों, हमारा पर्सनल प्रेडिक्शन ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को काफ़ी आसानी से जीत लेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।